हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मैकबुक प्रो के हार्ड डिस्क को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करके उसके सारे कनेक्टर्स को क्लीन कर सकते हैं और फिर से उसे सेट कर सकते हैं। तो आइए, ये हमारे पास मैकबुक प्रोफेशनल है, मैकबुक प्रो, और इसे इसके सारे स्क्रूज बैक साइड में होते हैं। तो इससे पहले बैक साइड्स में आते हैं, और ये जो हमारा सारा आपको स्क्रू का स्पेस दिख रहा है, यहां से आप सारे स्क्रू को ओपन कर लें। मैंने ऑलरेडी सारे स्क्रूज ओपन कर लिए हैं, तो मैं इस केस को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको सारे कंपोनेंट्स यहां पर दिखेंगे, जैसे लैपटॉप की बैटरी, मदरबोर्ड, रैम, डीवीडी राइटर और ये हार्ड डिस्क। तो हमें अभी इस हार्ड डिस्क को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ के जो दो स्क्रू हैं वो ओपन करने होंगे। और ये ओपन करने के लिए आपको चाहिए फोर वे स्क्रू ड्राइवर। इस दोनों स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद आप इसे सिंपली बाहर की ओर पुल करके निकाल लें और ये जो कनेक्टर है इसे डिसकनेक्ट कर दें। कनेक्टर को भी बाहर निकाल लें और ये हार्ड डिस्क बाहर निकल चुका है। अब आप इसे अच्छे से क्लीन कर लें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके कनेक्टर को क्लीन करें। और अगर ये कनेक्टर ऐसे क्लीन नहीं हो रहा तो आप इसमें आईपी क्लीनर का भी हेल्प ले सकते हैं। ये आईपी क्लीनर जो कि किट को क्लीन करने के लिए यूज होता है, बिल्कुल हल्का सा आईपी क्लीनर लगाएं और इसे क्लीन कर लें। और उसके बाद ये जो हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर को भी क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद जैसे हमने हार्ड डिस्क को रिमूव किया था वैसे इसे सेट कर लेंगे। सबसे पहले कनेक्टर से कनेक्ट कर दें और अब और इसे अच्छे से सेट कर लें। और जैसे हमने इसे ओपन किया था वैसे इस स्क्रू को फिर से टाइट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम हार्ड डिस्क को रीड नहीं कर पाता है, तो इसका इशू ये भी होता है कि आपके जो कनेक्टर्स हैं उसमें डस्ट आ गए हों, तो इसलिए भी रीड नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में आप ये इस प्रोसेस को करके अपने सिस्टम को फिर से सही से चलने योग्य बना सकते हैं। और अब इस कॉपर को हम लगा देंगे और जितने भी सारे स्क्रूज हमने रिमूव किए थे वो सारे के सारे स्क्रूज हम इसमें लगा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सीखे होंगे इससे कि आप अपने हार्ड डिस्क को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे मैकबुक को ओपन कर सकते हैं और कैसे इसको सर्विस कर सकते हैं।